जिस अच्छी खबर का ये वीडियो के स्टार्टिंग से आप सब लोगों को इंतजार था, तो आई एम विद देम। अभी मेरे पास एक अच्छी खबर है आप लोगों को बोलने के लिए, ठीक है। आई हैव वन ऑफ द बेस्ट रैपर रोद्रा विद मी। रोद्रा से हाई टू माय ब्लॉग। हाई। तो ये लोग बहुत अच्छा रैप करते हैं। अगर आप लोगों को इनके स्किल चेक करना है तो जाइए यूट्यूब पे जाके क्या सर्च करिए, रोद्रा। आपका लेटेस्ट सॉन्ग कौन सा है? मारवा। मारवा करके सर्च करो, देखो गाना बहुत अच्छा है। एक छोटी वर्स, 20-30 सेकंड की कुछ वर्स सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ఒకసారి చెప్తే 100 సార్లు చెప్పినట్టుగాదు, 100 సార్లు చెప్తే ఒక్కసారి విన్నా కూడా చాలు, మార్పు కోసం ప్రయత్నించి జలిసిపోయి ఉన్నా నేను, చెవల మీద నడుస్తున్న చివరికి అయితే మన్ను పాలు. అమేజింగ్ అమేజింగ్ అమేజింగ్. ఆల్ రైట్, వి ఆల్సో హావ్ ప్రియా విత్ us. హై ప్రియా. హై. ఆల్ వి ఆల్సో హావ్ ఆనంద్ భాయ్. ఆనంద్ భాయ్ హలో. ఆర్ హమారే సాథ్ కోస్టల్ హై. కోస్టల్ హలో. హై. ఇనో 17 కే హై. దిఖ్రే తో నహీ 17 కే మగర్ హై 17 కే. అబ్ క్యా కరేంగే? బిలీవ్ కే లియే. వాట్ ఆర్ యు స్టార్టింగ్? I completed inter first year. Inter first year. Inki height dekh lo aap. Height bahut achhi hai. Achhi khabar ye hai ki ne Anand bhai bolte hain. Song bana rahe, ek very beautiful song. Romantic hai. Jisme Nabeel and Priya are going to be featuring. So, that's the new song बन रहा है, एक तेलुगु सॉन्ग, रोद्रा भाई लिखे। टाइटल क्या है? आदिलोग सुंदरी। ये गाना रोद्रा लिखे, इनो फीमेल लीड है, अपन ओके मेल लीड है, और ये लोग हमारे साथ में रहने वाले शूट पर, जबरदस्त है। आई एम सो एक्साइटेड। ये इस न्यूज़ मेरे को देना था आप लोगों को, इसीलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग से इंतजार कराया आप लोगों को। Hey guys, assalamu alaikum, adab, sat sri akal, wanakam, welcome back to the channel. Make sure you guys subscribe to my channel and turn on the bell icon to be notified on my every update. Also do follow me on my Instagram and turn on live story post IGTV notifications. मैं ये वीडियो आप सभी लोगों को अपडेट देने के लिए बना रहा हूँ। अपडेट इस बात की कि हम लोग एक डेढ़ 1.5 मंथ से वारंगल डायरीज पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करे, और व्लॉगिंग चैनल पे भी मैं एक वीडियो अपलोड करा कुछ दिन पहले, वो भी मेरे दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए मैं करा। ऐसा हो गया था किस्सा, हम लोग वारंगल डायरीज पे वीडियो बनाने ही वाले थे, जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी, बाहर कोविड का सब हंगामा कम हो चुका था, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, एंड माई एल्डर ब्रदर वॉज प्लानिंग टू बाय अ कार। ऐसा शोरूम को जाके कार देख के आए, तंसील भैया जो है ही वॉज फीलिंग वीक, फिर नेक्स्ट डे ही गॉट, मतलब जाके टेस्ट करवाए, इट वॉज पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव। आते ही घर पे सब शॉक हो गए, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, बल्कि ऊपर के फ्लोर में बड़े भैया हमारे आइसोलेट कर लिए, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, ठीक हो रहे थे, उन्हों यंग है तो ऑफकोर्स क्योर होते, बल्कि भी भरोसा था। 5th या 6th डे जाके वो HRCTC स्कैन करवाए, फिर 10 था शायद CBRT स्कोर, उसके हिसाब से स्टेरॉइड्स वेरॉइड्स दे के ट्रीट कर दिए। 12th डे 13th डे ही वॉज फीलिंग बेटर, वेरी बेटर। एक डोज वैक्सीन का लेके थे पप्पा, तो सेकंड डोज वैक्सीन का लेंगे, बल्कि उन्होंने क्या करे, मेरे को वीकनेस भी फील हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ टेस्ट करवा लेके, टेस्ट करवाने के बाद जाके वैक्सीन लेता हूँ, बल्कि डिसाइड हुए। थोड़ी खांसी थी और हाथा पैर दर्द थे, तो जाके उन्होंने टेस्ट करवा लिया, उनको भी पॉजिटिव आया। 5-6 दिन तक अच्छे थे कमरे में आइसोलेट होके। हमारे बड़े भैया अब तक नहीं खा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, बट वालिद साहब हमारे अच्छा खा रहे थे, बात कर रहे थे, चल रहे थे, फिर रहे थे, एकदम ही वाज गुड। 7th डे मैं शायद एक वो खुशखबरी जो आप लोग सुने म्यूज़िक वीडियो आ रहा बोल के, उसकी शूटिंग के लिए मैं जो है पप्पा का 7th डे था, थोड़ा समझ रहे दिमाग कूल होता और मैं उन लोगों को बात दिया, तो वो बाद में बात दिए अब काम करते, बल्कि तो लोग सब कुछ प्लान करके रखे थे, तो अपन नो नहीं बोल सकते थे, 2 दिन ना शूट कर लेके आ जाएंगे, घर पे रहेंगे बोल के। वैसे भी 3-4 हफ्तों से वारंगल डायरीज पे वीडियो नहीं आया, व्लॉग नहीं आया, तो मैं जाके शूट कर लेता हूँ, सो दैट एटलीस्ट वो म्यूज़िक वीडियो आ भी गया तो ऑडियंस देख के खुश होती, बोल के मैं जाके वो शूट करने के लिए चले गया। फिर 2nd डे था शूट का, मैं एटुनागरम में था, तभी अम्मी का फ़ोन आया, अम्मी बोले वालिद साहब को ऐसा पल्स डाउन हुआ, तो लेके जाके हॉस्पिटल में एडमिट करें, एंड आई वाज शॉक। 3 या 4 बज रहे थे वहाँ पे, मैं था इटनागरम में, आ नहीं सकते 2.5 घंटे आने के लिए, 2-2.5 घंटे वहाँ पे शूट भी चल रही थी, वहाँ पे मूड ऑफ हो गया, फिर मैं मूड को रिगेन करके शूट करा, कंप्लीट करके वापस आए तक हॉस्पिटल में एडमिट थे, पल्स थोड़ा कम था, 85+ आ रहा था, हल्लू हल्लू से पल्स कम होते गया, जैसा हम नॉर्मली सबको ट्रीट करें वैसे पापा को भी ट्रीट करें, स्टेरॉइड्स और वो कुछ कॉकटेल इंजेक्शन देके, बट BP और शुगर था पप्पा को, उसकी वजह से जो है लिवर पे, किडनीज पे, हर जगह पे वो इन्फेक्शन इन्फेक्ट हुआ करते हैं। दूसरे हॉस्पिटल को शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो गई कंडीशन, फिर माई फादर वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस, मास्क निकाल के खा भी नहीं सक रहे थे, सांस नहीं आ रही थी, तड़प रहे थे, ऑक्सीजन निकाल नहीं सक रहे थे, पानी नहीं, 2-3 दिन से खाना नहीं, कुछ भी नहीं,
मतलब मेरे को ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, कभी किसी के घर को जाके देखा नहीं, कभी कोई पेशेंट्स को तक विजिट नहीं करा मैं. तो इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी स्केर्ड. हॉस्पिटल जाके देखा मैं, आँखों में आंसू आ गए, वो सिचुएशन देख नहीं सक रहा था. मैं निकल गया मैं वहाँ से. यू वॉन्ट नो अनटिल इट कम्स टू यू. कोविड चले गया, कोविड एकदम सब लोग वैक्सीनेटेड हो गए बोल के लाइट लेके बाहर नको फिरो. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ वेयर मास्क एंड प्लीज़ बी सेफ. एक इंसान को लूज करने के बाद आप लोग मैं सेफ रहता हूँ, मैं ऐसा रहता हूँ वैसा रहता हूँ करने से पहले कि पहले से आप लोग प्रिकॉशंस रख के चलो. अभी भी मैं घर पे अकेला बैठे हुआ हूँ शूट कर लेते हुए, सैनिटाइजर है और मास्क भी है. बी सेफ गाइस, इट इज़ वेरी डेंजरस. पप्पा का 12th डे था. आई लॉस्ट माई फादर टू कोविड. कज़िन, ब्रदर, फूफू, एक के बाद एक के बाद एक. मैं एक साल में मम्मी को और पापा को उमरा को भेजने वाला था. मैं आई थॉट टू मेक हिम सुपर प्राउड बाई मेकिंग फिल्म्स एंड गेटिंग इनटू फिल्म्स, बिकॉज ही टुक मी टू द फिल्म ऑडिशंस व्हेन आई वाज इन माय 10th क्लास, बट आई नेवर मेड इट आउट टू सिल्वर स्क्रीन. हमेशा आई हैड अ ड्रीम कि आई शुड मेक माई पेरेंट्स सुपर प्राउड. He used to drop me to school, he used to love me a lot, he used to tell everybody that my son is a star, he does YouTube, is very famous and all. He was really very proud. Okay, but I feel he's always with me, he's watching me from there. Hamesha mere saath hai aur he's saving me from evil. Ek request hai aap sabse, if you have parents, be good to them, spend time with them, ke saath rahiyega jitna ho sake utna zyada waqt diyo parents ko apne, matlab sirf friends aur khud ko time rakho, diyo parents ko bhi time diyo, kaise apan bol nahi sakte kab kya hone wala hai. Khair sab Allah ki marzi hai. Well, Mohammad Shaukat Ali, मेरे वालिद साहब मोहम्मद फिरासत अली, मेरे कज़िन भैया और फूफू के लिए दुआ करिएगा. मे अल्लाह ग्रांट देम जन्ना और उनके सारे के सारे गुनाहें माफ़ करे अल्लाह, आमीन. अगले संडे से वारंगल डायरीज़ पे वीडियोस आएंगे और मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ, सो दैट आई कैन डाइवर्ट माई माइंड. तब तक तुम कोई चीज़ में ख़ुद को बिज़ी ना रखो, तुम कोई काम में बिज़ी ना हो जाओ, तब तक ये चीज़ें फूकते रहते दिमाग में मेमोरीज़. अभी बस मेहनत करना है, नाम कमाना है, पूरे का पूरा डेडिकेशन एफर्ट लगा के आई विल मेक माई मदर प्राउड, ऑल्सो माई फादर, ऑल्सो यू गाइस. इसमें को अपडेट देना था और दे दिया. एक डेढ़ महीने का कुछ ब्रेक लिया हम लोग, एक हफ्ता या दो हफ्तों के बाद विल गेट बैक वारंगल डायरीज पे और यहाँ पे हर जगह पे. कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट दियो आपका. बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़. आई एम स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, होल्डिंग अप, हीलिंग स्लोली, और घर पर भी सब ठीक है. आप लोग भी सेफ रहिएगा, प्लीज़ मास्क पहनो, सेफ रहो बाहर. अपने को कुछ भी नहीं होता, अपने पेरेंट्स को बीपी, शुगर, दूसरे डिसीज रहने की वजह से उन लोग को थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो रहा. सेफ रहो गाइस.